उत्तर भारत में प्रदूषण ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 8 से 10 दिनों से हवा की गति धीमी होने की वजह से प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रदूषण के सोर्सेज जैसे कि पराली, बायोगैस को कंट्रोल करने के लिए CAQM की तरफ से पूरे NCR में GRAPE 4 लागू किया गया है। इसके साथ ही ऑड और इवन सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। साथ ही कंस्ट्रक्शन चाहे नेशनल प्रोजेक्ट हो, सरकारी या प्राइवेट, सभी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब दिल्लीवासी इन नियमों का सख्ती से पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पूरे मंत्रिमंडल ने नाराजगी व्यक्त की है। इसे मॉनिटर करने के लिए सभी ऑफिसर्स ने ग्राउंड स्तर पर जांच कर करने के निर्देश भी दिए हैं। खास तौर पर अलग अलग जिलों में अलग अलग अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अहम निर्देश दिए हैं। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव की स्थिति में बना हुआ है। पिछले लगभग 8-10 दिनों से पूरे उत्तर भारत में जो हवा की गति है वो काफी धीमी है। टेम्परेचर लगातार डाउन जा रहा है और ऐसे में जो प्रदूषण के कण है वो वायुमंडल में फैलने की जगह सतह पर ही स्टोर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितने प्रदूषण के सोर्सेज हैं, खास तौर से गाड़ियों का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण, बायोमास बर्निंग, अलग अलग जगह जो कूड़े में आग लग रही है उसका प्रदूषण, पराली का प्रदूषण, ये जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए CAQM की तरफ से GRAPE 4 पूरे NCR के अंदर लागू है। GRAPE 4 के तहत दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर जो भी BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध है संचालन पे, BS4 की जो डीजल वाहन है उस पर प्रतिबंध है, दिल्ली के बाहर से जितने डीजल की बसें हैं उनको दिल्ली में एंट्री बैन है, एसेंशियल आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले ट्रकों के अलावा सबकी एंट्री पर बैन लगाया गया है।